असलम डी स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि सिक्स सेमिस्टर बैच 2019 और बैकलॉग बैच 2016 थाउजेंड टू एटीन तक के लिए एक इम्पॉटेंट मैसेज कि उनका इवालोशन स्टेटस जो है वो डिक्लेयर हो चुका है और वो अपना इवालवेशन स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं जो मैंने अपनी ग्रुप में ये लिंक आपको प्रोवाइड की थी उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक इंटरफेस आ रहा है ये मैसेज Please note that this is not only this is only the evaluation status, not the formal declaration of the results. Any student who has not yet seen his or her award is advised to keep checking the university website after 48 hours in view of the fact that the evaluation is still going on. Evaluation status of theory uh, components are as question paper marks distribution necessary raise or reduce will be done at the type official result declaration. प्लीज़ ऑल्सो नोट दैट देर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू विजिट द कॉलेज आर द यूनिवर्सिटी कश्मीर यूनिवर्सिटी फॉर द पर्पज तो इसमें यह बताया जाता है कि ये एक इवॉलवेशन स्टेटस है फॉर्मल डिकलेन रिजल्ट की नहीं है ठीक है तो इसमें स्टूडेंट्स को एडवाइज़ यही किया जाता है कि वो चेक करते रहे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आफ्टर फोर्टी एट आवर्स मतलब दो तीन दिनों के बाद उन्हें यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो चेक करनी है वहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा वो अपलोड किया जाएगा और इवालेशन स्टेटस ऑफ थैरी मींस जो कम्पोनेंट जैसे क्वेश्चन पेपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के या बाकी जो भी नेसेसरी रेज या रिड्यूस होगा मार्क्स में वो भी ऑफिशियली फिर डिक्लेयर होगा और ये भी कहा जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है तो आप नीचे यहाँ पे रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करके अपना इवालवेशन स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं